हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेवल ट्रैकर पर। इस वीडियो में हम भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, मोक्ष की नगरी बनारस और काशी, इन सभी नामों से जाने जाने वाले शहर वाराणसी के बारे में जानेंगे। बनारस, इस नाम को सुनते ही हमारे ख्याल में गंगा नदी, इसके घाट, इसका पुराना इतिहास और शहर की तंग गलियां तुरंत हमारे सामने आने लगती हैं। बनारस केवल भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी टूरिस्टों द्वारा भी काफ़ी पसंद किया जाता है। वाराणसी अपने कई मंदिरों के अलावा घाटों और खाने पीने के कारण काफ़ी फेमस है, पर कुछ सालों से तो यहाँ की देव दीपावली भी वर्ल्ड फेमस हो रही है, जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में भी करेंगे। तो आइए जानते हैं बनारस यानी वाराणसी के बारे में। वाराणसी को हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। वाराणसी हिंदू धर्म में एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान होने के साथ साथ एक पर्यटन स्थल भी है, जो तीर्थ यात्रियों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी बेहद खास स्थान है। वाराणसी शहर पूरी तरह से धार्मिक रंग में रंगा हुआ है। इस शहर का सबसे दिलचस्प पहलू यहाँ पर स्थित कई घाटों का होना है। यहाँ कुल 84 घाट हैं। इन घाटों से गंगा जी तक जाने के लिए कई सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। यहाँ हर सुबह और शाम को भव्य आरती का आयोजन भी किया जाता है। मंदिरों और घाटों के अलावा बनारस खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए काफ़ी पसंदीदा शहर भी है। यहाँ की बनारसी साड़ी और बनारसी पान तो पूरे देश में प्रसिद्ध है। वाराणसी को हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। तो आइए जानते हैं बनारस के प्रसिद्ध मंदिर, बनारस के प्रमुख दर्शनीय स्थल और बनारस में घूमने की जगह। सबसे पहले बनारस पहुंचने के माध्यमों के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं रेल मार्ग से वाराणसी कैसे पहुंचा जाए। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के कई प्रमुख शहरों से रेल के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। देश की अधिकांश मुख्य ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं। इसके अलावा वाराणसी से 18 किलोमीटर दूर मुगल सराय, जिसको अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है, वह स्टेशन मौजूद है। आप भारत के किसी भी बड़े शहरों से वाराणसी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप इस शहर को घूमने के लिए टैक्सी या कैब किराए पर ले सकते हैं। बात करें सड़क मार्ग से, तो दोस्तों वाराणसी पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग से कहीं भी हो, बनारस हर जगह से जुड़ा हुआ है। वाराणसी के लिए बहुत सी प्राइवेट और पब्लिक बसें देश के विभिन्न शहरों से चलती हैं। इस शहर के लिए आपको दिल्ली और आसपास के शहरों से बस आसानी से भी मिल जाएगी। वहीं बात करें हवाई जहाज से वाराणसी पहुंचने के लिए, तो अगर आप फ्लाइट से बनारस आना चाहते हैं तो यहां स्थित लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, जहां पर आप फ्लाइट के माध्यम से वाराणसी पहुंच सकते हैं। बनारस पहुंचने के बाद अब जानते हैं कि आप यहां पर कहां कहां घूम सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं वाराणसी में सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ के घाटों के बारे में। वाराणसी में छोटे बड़े सभी घाट मिलाकर लगभग 84 घाट हैं। इनमें से अधिकांश घाट नहाने और पूजा समारोह के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि दो घाटों का विशेष रूप से दाह संस्कार के रूप में उपयोग किया जाता है। वैसे घाट कोई भी हो, वाराणसी में सुबह और शाम के समय नाव की सवारी कराना एक अद्भुत आनंद की अनुभूति कराता है। हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण घाटों के बारे में आपको बता रहे हैं, जहाँ आप बनारस घूमने के दौरान वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं और घाट का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 1, 80 घाट। 80 घाट गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहला घाट है, जहाँ से गंगा बनारस में प्रवेश करती है। 80 घाट शहर के रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस घाट के किनारे कई मंदिर स्थित हैं। इस घाट पर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थित है, जहाँ तीर्थयात्री गंगा नदी में पवित्र स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं। यह घाट सांस्कृतिक एवं धार्मिक तथा घूमने के लिए वाराणसी का केंद्र है। इस घाट पर भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ सुबह 4 बजे से इस घाट पर आना जाना लगा रहता है, क्योंकि सभी मांगलिक कार्य इसी घाट पर किए जाते हैं। अगर आप बनारस आए हैं तो शाम को 80 घाट की गंगा आरती को देखना ज़रूर जाएं। नंबर 2, मणिकर्णिका घाट। वाराणसी में स्थित मणिकर्णिका घाट को अंतिम संस्कार के लिए एक शुभ स्थान माना जाता है। यहाँ पर्यटकों को हिंदू धर्म के दाह संस्कार देखने और यहाँ के रीति रिवाज जानने का भी मौका मिलता है। नंबर 3, दशाश्वमेध मेघ घाट। दशाश्वमेध मेघ घाट गंगा नदी के तट पर स्थित मुख्य घाट है, जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है।
यह एक बहुत ही आकर्षक धार्मिक स्थल है जहां पर कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। हर दिन शाम को इस घाट पर आयोजित गंगा आरती सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। नंबर 4, हरिश्चंद घाट। वाराणसी में मृतकों के दाह संस्कार के लिए दो घाट बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहला मणिकर्णिका घाट और दूसरा राजा हरिश्चंद घाट। अब बात करते हैं वाराणसी के मंदिरों के बारे में। वैसे वाराणसी में बहुत सारे मंदिर हैं। आपको हर एक सड़क और गली में एक मंदिर जरूर मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनका ऐतिहासिक और बनावट के लिहाज से बहुत ही खास महत्व है। तो आइए एक एक करके जानते हैं इन महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में। नंबर 1, काशी विश्वनाथ मंदिर। अगर आप वाराणसी की यात्रा करने जा रहे हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करे बिना आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। यह मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मौजूद शिव के ज्योतिर्लिंगों को देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। नंबर 2, तुलसी मानस मंदिर। यह मंदिर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर दुर्गा मंदिर के नजदीक में स्थित सफेद संगमरमर से बना हुआ एक भव्य मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, इसलिए इसे तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है। नंबर 3, दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर वाराणसी शहर के रामनगर में स्थित माँ दुर्गा को समर्पित प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। लाल पत्थरों से बने इस भव्य मंदिर में माँ दुर्गा के अलावा बाबा भैरवनाथ, माँ काली, माँ लक्ष्मी एवं माँ सरस्वती की प्रतिमा है। यह मांगलिक कार्य, मुंडन इत्यादि में माँ के दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 4, संकट मोचन हनुमान मंदिर। संकट मोचन हनुमान मंदिर 80 नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर भगवान राम और हनुमान को समर्पित है। यहाँ हनुमान जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और इस दौरान एक शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। वाराणसी में मंदिरों के अलावा भी बहुत सी घूमने लायक जगहें हैं, जैसे सारनाथ। अगर आप भीड़भाड़ से दूर जाना चाहते हैं और सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो आप वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ जा सकते हैं। सारनाथ बौद्धों का तीर्थ स्थल है। वाराणसी के आसपास घूमने वाली जगहों में यह एक बेहद खास स्थान है। काशी के घाटों और गलियों में घूमने के बाद आप इस जगह आकर एकांत में शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहीं पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। इसके आसपास कई खूबसूरत स्तूप और मंदिर हैं। रामनगर फोर्ट। रामनगर किला गंगा नदी के पूर्वी तट पर तुलसी घाट के सामने स्थित है। ये किला लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। मुगल शैली की वास्तुकला से बनाए गए रामनगर किले से गंगा नदी और घाट का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो इस किले की स्थिति जर्जर अवस्था में है। इन सब के अलावा भी वाराणसी में कुछ और घूमने लायक जगहें हैं, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, चुनार का किला और गोडोवालिया मार्केट आदि। अब बात करें यहाँ के फेमस त्यौहार की, तो शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कई त्यौहार आते हैं, जिनमें अंतिम त्यौहार देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। देव दीपावली का यह उत्सव उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है। देव दीपावली की परंपरा की शुरुआत पंचगंगा घाट पर हजारों की संख्या में दिए जलाकर की गई थी। तभी से बनारस में भव्य तरीके से घाटों पर दिए जलाए जाते हैं। वहीं पिछले कुछ सालों से अयोध्या दीपोत्सव के बाद काशी में घाटों पर लाखों की संख्या में दिए भी जलाए जाते हैं। इस मौके पर देशी से लेकर विदेशी पर्यटक रोशनी से जगमगाते घाटों के एक नज़ारे को नाव द्वारा देखते हैं। दोस्तों, बनारस अपनी सांस्कृतिक विरासत और फेमस तीर्थ स्थल होने के साथ साथ फेमस फूड आइटम्स के लिए भी प्रसिद्ध है। तो बनारस की यात्रा पर आप यहाँ के फूड आइटम्स जैसे पूरी सब्जी और जलेबी, कचौरियाँ, बनारसी पान, ठंडई या लस्सी, बनारस की डिश लवंग लता, दम आलू, ओस की बूंद से बनी बनारसी मलाइयों और कुल्हड़ वाली चाय, इन सभी खाने पीने की चीज़ों का आनंद लेना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब जानते हैं वाराणसी में घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। वाराणसी जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। इन महीनों में वहां का मौसम यात्रा के लिए अनुकूल होता है। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक पंच दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी बनारस यानी वाराणसी के बारे में पूरी जानकारी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।